तो गाइस यहाँ से लोकेशन सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, पीछे हम पापा लोग का वेट कर रहे हैं और दिल धक धक हो रहा है, हार्ट बीट तेज हो गई है। कि तू कुत्ता, तेरे मीटर पे कोई नहीं आएगा, बढ़िया देखो। गाइस 12:30 बजने वाले और मैं अभी तक घर में ही बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे पता है अभी चीज़ें वहाँ से स्टार्ट हुई हैं। मैं सब पूरा फॉलोअप ले रहा हूँ कि कितने लोग वहाँ पे आ गए हैं, कितने सारे लोग आ गए हैं, बलून वाला पहुँचा कि नहीं पहुँचा। और एक दिक्कत ये आ गई, डीजे वाले भाई कैंसिल हो चुका है। अब मैंने पूरा मतलब पूरी जी जान लगाने वाला फ़ोन लगा दिया कि डीजे मेरे को चाहिए और डीजे आके रहेगा, 1 घंटे के अंदर डीजे वहाँ खड़ा करवा के नचवाएंगे, चिंता मत करो। मतलब लोग तो आ रहे हैं, मुझे फॉलोअप तो मिलते जा रहा है। और मेरे को लग रहा है कि मेरे को 2 बजे का निकलते, मैंने 1 बजे लोगों को आने का बोला था, लोग भी 1:30 बजे तक आएंगे, तो मैं 2:30 तक वहाँ पहुँचूंगा। लेट्स सी क्या होता है, मज़ा तो आने वाला है भाई। ओ माय गॉड, मतलब मुझे गुड न्यूज़ मिल रही है कि भाई भीड़ बढ़ती जा रही है। थैंक यू, चलो देखते क्या होगा भाई, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है यार, मजा आ जाएगा। तो भाई सब लोग रेडी हो चुके हैं, दीदी आई है, बहन आई है, मम्मी है, पापा है, वो बुढ़िया है, पापा भी बुला रही है, पापा बोले दुकान छोड़ के नहीं आऊंगा। और वहाँ कम से कम 300-400 लोग आ चुके हैं, बहुत भीड़ लग चुकी है, क्योंकि पुलिस वालों का डर है, इसलिए हमें भगना पड़ेगा। परमिशन लेनी थी, हमें लगा कोई आएगा नहीं, क्योंकि सौरभ भाई परमिशन ली थी क्या अपन ने, मुझे लगा कोई आएगा नहीं, बट भाई साहब अभी फोन आया, 300 लोग प्लस हो चुके हैं, 300 कॉलोनी वाले परेशान हो चुके हैं, शुरू वाले ने हाथ जोड़ लिए कि भाई जल्दी आ जाओ, मैं नहीं रोक पाऊंगा, फटाफट निकल, जल्दी निकलते हैं, बाउंसर भी परेशान हो गया, कोई कुछ नहीं कर पा रहा, डीजे आने वाला है। और ये देखो भाई रैम्बो ये आई गई है, चलो भाई चलो चलो, यहाँ पापा आगे आ जाएंगे, प्रार्थना पीछे हो गई और ये दीदी पीछे हो गई, बैग फेंक दो, चलो 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 चल गुड़िया वे, चलो 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 गाइस निकल चुके हैं। ओए 2 मिनट गाइस, बहुत ज्यादा वहाँ माहौल खराब है, इसलिए मुझे भागना पड़ रहा है, क्योंकि अगर पुलिस वाले आ गए लाठी चार्ज ना हो जाए तो बेचारे तुम लोग को पड़ जाएगी, मैं तो बेचारा। तो गाइस यहाँ से लोकेशन सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, पीछे हम पापा लोग का वेट कर रहे हैं और दिल धक धक हो रहा है, हार्ट बीट तेज हो गई है, पता नहीं क्या होगा, भीड़ बहुत ज्यादा है। आ गए, चलो आ गए भैया, चलो 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 चलो, आ गए आ गए। तो गाइस पहुंच गए, ब्रिज आ गया, ओ तेरी की, बहुत ज्यादा क्राउड दिख गया मेरे को, दिख गया, देखो यहीं से लोग आना चालू हो गए हैं, ये बच्चे लोगों को देखो, बाहर तो निकल जा, वो बाहर आ रहे हैं, बाहर निकल, हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलो, अरे बाहर सारे लोग आ चुके हैं, तेरी की कहाँ है ये बाउंसर, अभी कोई निकलना मत गाड़ी से, है ना, बनाओ 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 बनाओ, अरे बहुत सारी भीड़ है भाई, ये देखो कितनी सारी भीड़ है, ये देखो, अरे तेरी की, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, ओ तेरी की भाई साहब, देख आराम से भैया धक्का मत मारो, प्लीज भैया आराम से, भाई लोग प्लीज आराम से, फैमिली भी है, आ जाओ मम्मी निकल, आ जाओ चलो आराम से। सबसे मिलूंगा भाई। चलो, अरे तेरी की क्या था ये भैया, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक मीटअप रखा था, तो उसपे कोई भी नहीं आया, तो उसपे 2-3 लोगों ने कमेंट किया कि तू कुत्ता, तेरे मीटअप पे कोई नहीं आएगा, बढ़िया देखो। क्या मैं कुत्ता हूँ? थैंक यू भाई लोग, थैंक यू।
तो भाई ने बोला साइन करने को मिशा पकड़ना वीडियो ऊपर नीचे ऊपर कर दूं ऊपर यहीं यहीं इधर कर इधर 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 भैया वाह यार वाह चलो भाई चलो 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 बिल्कुल भाई सबको देंगे सबको देंगे अब गाने सुनो गाने बजवाते किसके सत्तू मूसा गाने बजेंगे तो गाइस मैं अभी अपनी बाइक डिलीवरी लेने आया था ठीक है खून पसीने की मैंने तो बाइक पे लगा दी क्योंकि लोगों की डिमांड थी भैया बाइक लो मैं बाइक की कमी थी बाइक ये ना तो थोड़ा मीटअप भी रखा जाए तो मुझे लगा मीटअप पे क्या ही आएंगे मैं कौन ही जानता होगा बट जरा ये चेकआउट करो एक बार नेता की तरह नहीं बुलाइए ये अपने प्यार तो ये चाहते हैं ये लोग इसलिए यहाँ पे आए क्यों भाई लोग मैंने कोई पैसे नहीं दिए अच्छा तुम पैसे ऐसे कितने लोग हैं जो आउट ऑफ एमपी आए मध्य प्रदेश से बाहर से आए ये देखो भाई अच्छा सबसे दूर से कौन कौन आया है भैया इसके अलावा ऑप्शन क्या है जनता को बाइक दिखानी है मतलब दिखानी है तो उन्होंने बोला कि मेरे पास एक टेनार खड़ी हुई है नई वाली ठीक है जो कि इंदौर में वो भी बुक्ड है उस कस्टमर ने 6 लाख रुपए उसके पे कर दिए मैंने बोला मैं आपको 12 लाख रुपए दे रहा हूँ अभी खड़े पे दे रहा हूँ पर मेरे को ये बाइक चाहिए लेके आया हूँ और तुम मुझसे वादा करता हूँ 1 साल के अंदर H2 का बाप भी होगा ना H2R वो भी लाके दिखा दूंगा तो गाइस 3 साल पहले होंडा सीबी शाइन से जो पापा ने दिलाई थी पापा ने दिलाई थी जिद करके उससे मैंने डिलीवरी चालू करी उसके बाद और जिद करी पापा ने मुझे NS दिलाई अगर वो NS बंबल भी ना होती ना मोटर साइड में आ रही होती मैं डाल दूंगा एडिटिंग में वो नहीं होती ना पापा भाई दिलाते नहीं तो आज दुकान पे नहीं होता आज दुकान आपको पीछे दिख रहा है Amazing, bhai.
आवाज बहुत बैठ गई है भाई लोग, सॉरी उसके लिए यार, बहुत गंदी आवाज आ रही है मुझे पता है। अमेजिंग भाई, एकदम से भाग रहा है, एकदम से भाग रही है यार, लिटरली। अमेजिंग माय गॉड, यहां से लेंगे हम लेफ्ट। भाई साहब ये क्या है। हाँ जी, लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट। गाइस अपन करेंगे ना एक प्रॉपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे यहाँ का। अरे मेरी आवाज प्लीज वापिस आ जाए यार। मैं कुछ बात ही नहीं कर पा रहा हूँ तुम लोगों से यार। तो गाइस आ गया मैं घर, आज भी तुम आने के नहीं, तेरे को पता है व्लॉग ही नहीं कर पाया, तेरे को पता है ये एक आवाज के चक्कर में, बट मैंने कैमरे में सुना कि आवाज अच्छी आ रही है और मैं आ चुका हूँ घर। अब एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इसने एक पोस्ट किया है अभी, तो उसमें लोग कमेंट कर रहे हैं कि भैया H2 आने वाली थी, टेनर कहां से आ गई। तो मैंने ये चीज मीटअप पे भी क्लियर कर दी थी सबके सामने, स्टेज पे डीजे लेके वो माइक लेके H2 मैंने बुक करी थी, ठीक है, हैदराबाद की थी, ट्रांसपोर्ट कट के वो यहाँ पे आई भोपाल में, एक्सीडेंटल निकली वो गाड़ी। अब मैं अपने 28-30 लाख रुपए ऐसी गाड़ी में क्यों फूकूं। मैंने जिसने गाड़ी डील थी उसको कावासाकी वाले को बोला भैया मेरे को ये बाइक नहीं चाहिए, क्योंकि वो गाइक मुझे एक्सीडेंटल लगी, मुझे उसको बाइक में देखने में मजा नहीं आया, टायर पूरे गए थे बाइक, मतलब गाड़ी कंडीशन ओवरऑल पूरी खराब थी। फिर मैंने भैया से बोला कि अब क्या ऑप्शन है, मेरे को बाइक तो लेनी है, क्योंकि भाई अब बाइक का तो मैंने आपको बोल रखा है ना कि बाइक आनी है। तो उन्होंने बोला मेरे पास टेनार खड़ी हुई है ब्रांड 2023 मॉडल जो कि बुक हो गई है, बट आप चाहो तो आई विल ट्राई फॉर यू। मतलब ठीक है आप एक काम करो उसका ट्राई करो। उन्होंने बोला भैया बाइक आपको पेमेंट करना पड़ेगा पूरा, मतलब पेमेंट तो रेडी रखा हुआ है। तो मैंने उनको वहां से पेमेंट दिया, H2 को मैंने वापस भेजा, उसका पैसा ही मैंने बियर किया ट्रांसपोर्ट का, ठीक है, जो मेरा 45,000 रुपीज लगा वो ट्रक से लोड होके आया था, ठीक है, वो सब पैसा मैंने उनको मैंने ही बियर किया, वो मेरे फालतू के गए। प्लस मैंने टेनर नहीं बुक कर दी, क्योंकि यार अब आपको बाइक दिखानी थी, H2 नहीं ले पाया, उसके लिए बहुत दिल से सॉरी है, क्योंकि H2 बहुत रेयर बाइक है, जिनके पास है वो छोड़ते नहीं है, और जिनके पास है तो वो मुंह मांगी कीमत मांगते हैं, उसके बाद भी अगर बाइक कंडीशन खराब निकले तो मैं बाइक क्यों लूंगा यार। क्यों भाई बिद्दी, मेरे हराम का पैसा नहीं है भाई, मेरे पास महीने की इनकम मेरी कोई 50 लाख रुपए नहीं है दूसरे यूट्यूबर्स की तरह, मेरे महीने के 1-2 लाख भी बढ़ गए तो मैं बहुत वो हूँ। मैंने सेविंग्स करके स्पॉन्सर निकाल के ये बाइक लिया है, ठीक है, वो भी कैश में, ईएमआई का कोई लोड नहीं है, और कोई ये और हाँ वो स्ट्राइक खा के, और कोई ये बाइक ना वो नहीं है, तुम लोग जैसा कि बोलो कि ये कोई स्क्रैप वाली बाइक है या फिर डिफॉल्ट, भाई गूगल जाके कर लेना, मेरा नाम आएगा पूरी गाड़ी पे डाल देना, NS छोड़ के मेरी हर गाड़ी पे मेरा नाम लिखा आएगा, क्योंकि गाड़ी सारी ओरिजिनल्स हैं, दूसरों की तरह नहीं कि हम स्क्रैप या भाड़े बाइक उठा के लेके आ गए सेकेंड हैंड और उस पर रैप करवा दिया उसको चलाया, और नहीं जो लेता हूँ नगद लेता हूँ कैश लेता हूँ भाई, ये बात तो मेरी है, ठीक है, मैं शो ऑफ नहीं करता, मैं चीजें खुद के लिए लेता हूँ, बट H2 भी लेके आऊंगा फॉर श्योर आप लोग के लिए, अगर वादा किया है ना तो तुम लोग को पता है तुम लोग का सपोर्ट रहेगा ना भाई, अभी हेट कर रहे हो मत करो, बाइक भी सफिशियंट है, ठीक है, तो सपोर्ट करो यार, देखो बड़ी मुश्किल से बाइक ली है, बाकी सपोर्ट तो मिल ही गया था, मैं मीटअप पे दिखी गया था चाहने वाले कितने लोग हैं। अच्छा बाकी तुम लोग बताओ, अगर तुम लोग को इस पे एग्जॉस्ट चाहिए तो कौन सा लगवाना है, पर और अगर लगवाना भी है पर उसके लिए तुमको कमेंट्स करने पड़ेंगे, टारगेट बता दें सिर्फ 5,000 कमेंट्स अगर आप कर दोगे, मैं नेक्स्ट डे इस वीडियो के बाद आपको एग्जॉस्ट की वीडियो मिल जाएगी फॉर श्योर, और सबसे लाउड टेनर उसको हम भोपाल की बना देंगे, ठीक है ना, बस कमेंट करने पड़ेंगे 5,000, मुझे 5,000 कमेंट चाहिए, नहीं तो मैं डिले करूंगा फिर लगवाऊंगा भी नहीं, क्योंकि मैं तो इसमें भी खुश हूँ, तुम लोग बोलोगे तुम लोग के कहने पे बाइक लिया हूँ तो तुम लोग के कहने पे सारी चीज होंगी। बाकी ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना, डिलीवरी मीटअप कैसा लगा
थैंक यू आप सब लोग का, जितने लोग मेरे मीटअप पे आए बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। मुझे उम्मीद थी कि 100-150 लोग भी नहीं आएंगे, बट भाई साहब ऑलमोस्ट 300-400 लोग हो गए थे, बाद में कम हो गए, वे लोग काफी टाइम से धूप में खड़े हुए थे। कुछ अरेंजमेंट मैंने किए थे रिफ्रेशमेंट, वो आप लोग तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि भीड़ बहुत हो गई थी ना, तो आप लोग धक्का मुक्की पे लगे हुए थे। कुछ भाइयों का फोन टूटे हैं, मेरे बाउंसर्स ने मेरे बॉडीगार्ड्स ने ये बदतमीजी करी है, मैंने उनको साफ मना कर दिया अगली बार के लिए, अगली बार ऐसा आपके साथ नहीं होगा ये मैं आपसे वादा करता हूँ। बाकी कैसा लगा कमेंट करके बताना वीडियो, कैसे डिलीवरी लगी, और काफी मजा आया आप लोग से मिलके। ऐसा मीटअप हम करते रहेंगे, नेक्स्ट बाइक भी लेते रहेंगे बहुत जल्द। अभी तुम लोग इसके लिए एग्जॉस्ट के लिए मेरे को कमेंट कर दो, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ फ्रॉम मी, जय हिंद जय भारत, बाय बाय।